नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। आइए एक नजर डालते हैं बाहर समाचार पर। लक्सर तहसील परिसर में एबीवीपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। यह धरना राजकीय महाविद्यालय में एमए की क्लास शुरू कराने की मांग को लेकर किया जा रहा है। बीते सत्र में भी ये मांग उठाई गई थी, लेकिन उस समय छात्रों को आश्वासन देकर उठा दिया गया था। लेकिन अब पूरे वर्ष इंतजार करने के बाद भी उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया, जिसके बाद इस धरने ने फिर से जोर पकड़ लिया है। एबीवीपी कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, वो ये धरना जारी रखेंगे। लक्सर से प्रवीण सैनी की रिपोर्ट। के द्वारा जो मांग की जा रही है, जो एबी से जुड़े जो बच्चे हैं उनके द्वारा पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। उनके द्वारा जो भी ज्ञापन दिया जाए उनसे वार्ता भी की जा रही है, उससे शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है, उसके प्रॉपर चैनल से भिजवाने की कार्रवाई की है। हमारा ये धरना प्रदर्शन पिछले 5 दिन से चल रहा है, जिसमें पहले राजकीय महाविद्यालय में चला, कल उसका अवकाश घोषित होने के बाद आज तहसील परिसर में ये धरना प्रदर्शन हमने कराया है। और जो ये हमारी मांगे है ये पिछले 18 वर्षों से है। इसमें लगातार छात्र विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर छात्रों को क्या प्रॉब्लम है कोई सुनने को तैयार नहीं है। कि जो राजकीय महाविद्यालय इसमें पिछले 18 वर्षों से कार्यकर्ता की यही एक ही मांग है कि एमए पीजी कॉलेज हो जाए। कि आज तक पहले भी इसमें भूख हड़ताल पे कार्यकर्ता बैठे थे, एबीवीपी के पहले भी आश्वासन दे चुके थे कि कुछ वर्षों में हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा, कि इस आज तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। और पिछले 5 दिनों से हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज तक कोई आके पूछा नहीं किसी ने भी किसी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के 2022 में विधानसभा चुनाव न लड़ने और राजनीति से संन्यास लेने के बयान पर इंदिरा हृदयेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि हरक सिंह रावत को जरूर कोई कष्ट रहा होगा, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। इसके बाद इंदिरा ने ये भी कहा कि वो हरक सिंह रावत से बात करेंगे और उनको चुनाव लड़ने के लिए भी कहेंगी और जरूरत पड़ी तो उनके कष्ट को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगी। हल्द्वानी से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। अब मुझे नहीं पता क्यों कहा उन्होंने ऐसा, वो चुनाव लड़ेंगे, हम ही कहेंगे उनसे लड़ो। तो उनका रहना राजनीति में बहुत ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी है, बहुत अच्छा उत्साही व्यक्ति है और अभी उसकी उम्र भी ऐसी नहीं हुई कि चुनाव ना लड़े। अब मुझे नहीं पता, हो सकता कोई कष्ट हो उनको। तो कोई बात करेंगे आप? हम करेंगे बात, हमारी तो अच्छे संबंध हैं उनसे, रिश्ते हैं, बात करेंगे और जो कष्ट होगा हम दूर कर सकते होंगे तो हम करेंगे दूर। लैंसडॉन के अंतर्गत रथुआ ढाब डोंडियाल के पास कल शाम एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में 5 लोग सवार थे। आपदा कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 3 घायलों को खाई से बाहर निकलकर तुरंत अस्पताल के लिए पहुंचाया, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही कार के नीचे दबने से मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये 5 व्यक्ति शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वहीं डोंटियाल के पास कार मोड़ने में दिक्कत आने की वजह से खाई में जा गिरी। कोटद्वार से भगवान सिंह की रिपोर्ट। 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि डोंटियाल के पास कोई गाड़ी खाई में गिरी है। मौके पर हमने चौकी इंचार्ज दुगड्डा ये फोर्स लेकर के गए, इनके द्वारा रेस्क्यू किया गया, जहाँ पर इनोवा कार नंबर HR26CM2474 इस सड़क से करीब 40-50 फुट नीचे गिरी थी। तो इस गाड़ी में 5 लोग थे कुल, जिनमें से 2 लोग तो मौके पर ही मर गए थे, तेजवीर पुत्र सुरेंद्र गुसाई और राजेंद्र सिंह रावत पुत्र मनवर सिंह, ये सभी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। 3 लोग घायल हैं, धनवीर, मनोज और सुनील। घायलों को तुरंत वहाँ से और डेड बॉडी को भी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार लाया गया। घायलों का उपचार यहाँ पे चल रहा है। आबकारी विभाग ने आज अंग्रेजी व देसी शराब की दुकान पर छापेमारी करवा दी। ओवर रेट पर बेचने की सूचना मिलने पर लालकुआ स्थित आबकारी विभाग के सहायक के नेतृत्व में लालकुआ स्थित अंग्रेजी व देसी शराब दुकान पर छापेमारी की गई। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। इस मौके पर आबकारी सहायक ने बताया कि काफी लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि ओवर रेटिंग पर शराब की बिक्री की जा रही है, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि दुकान पर मौजूद सेल्समैन ग्राहकों से MRP से ज्यादा पैसे वसूल रहे थे। अधिकारियों द्वारा मामले को लेकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लालकुआ से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर नशे के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में हमारे द्वारा स्मैक आदि या शराब के विरुद्ध काफी कार्रवाई की गई है। कल धर्मेंद्र गंगवार नाम के एक व्यक्ति से 61 इंजेक्शन बरामद हुए, जिससे वो नशा करते थे और इसके खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी रहे। पौड़ी के चौपटा खाल विधानसभा क्षेत्र में एक दुल्हन ने डिजाइनर मास्क पहनकर शादी रचाई।
शादी करने वाले जोड़े ने कोरोना के नियमों का अच्छे से पालन किया। इसी के साथ दुल्हन ने लोगों से अपील की कि कोरोना के नियमों का पालन करें और महामारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। चौपता खाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। कारण यही है कि खुद भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने दे, क्योंकि ये महामारी है और मास्क का प्रयोग जरूरी है। अगर मास्क लगा के रखेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने देंगे। इसलिए मेरी सलाह है सभी से जिनकी शादियां हो रही हैं, कृपया मास्क का प्रयोग कीजिए।